Hello students today i'm going to discuss part 10 of human health and diseases in this part we'll discuss about malaria which is a protozoan disease disease caused by protozoans this malaria is a protozoan disease the pathogen is the plasmodium vector is the female Anopheles mosquito vectors, uh, which transfer the pathogen from a patient to a healthy person. So, female Anopheles mosquito is the vector in case of malaria. Symptoms include headache, muscular pain, high fever. During fever, the patients feel chill and shivering. Prevention is the eradication of the vector and keeping the surrounding clean. Life cycle of malaria. Life cycle of plasmodium requires two hosts for completion. Such a two host life cycle is called digenetic life cycle. Human beings are the secondary host they are the asexual phase of malarial parasite uh, occurs in humans female anopheles mosquito are the primary host where the sexual phase of the malarial uh, parasite occurs in the mosquito first we will discuss life cycle of plasmodium in man where asexual phase of life cycle takes place when mosquito bites a man द स्पोरजाइट प्रजेंट इन द स्लाइब्री ग्लैंड ऑफ द फीमेल मॉस्कीटो आर इंजेक्टेड इन टू द ब्लड ऑफ मैन यहाँ पर जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो स्पोरोजॉइट है ये स्पोरोजॉइट मलेरियल पैरासाइट के स्लाइब्री ग्लैंड में प्रजेंट होते हैं और जब मलेरियल पैरासाइट जब फीमेल मॉस्कीटो किसी भी ह्यूमन बींग को बाइट करता है तो वो इन स्पोरोजॉइट को ह्यूमन ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देता है फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड स्पोरजॉइट्स एंटर द लिवर सेल्स सबसे पहले ये स्पोरजॉइड लिवर सेल्स में जाते हैं वहां पर ये डिवाइड होकर क्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं ये क्रिप्टोजॉइड्स लीवर सेल्स को ब्रेक करके बाहर आते हैं एंड दे एंटर्स इन न्यू लिवर सेल्स एंड डिवाइड टू फॉर्म मेटा क्रिप्टोजॉइट्स द लिवर सेल्स रपच्चर टू लिबरेट द मेटा क्रिप्टोजॉइट्स इन टू द ब्लड द मेटा क्रिप्टोजॉइट बनते हैं ये लिवर सेल्स को बर्स्ट करते हैं और उससे निकल कर ब्लड में आ जाते हैं इसके बाद मेटाक्रिप्टोजॉइट्स ह्यूमन आर बी सी में एंटर होते हैं एंड द फॉर्म ए सिंगलेट रिंग स्टेज फॉर ट्रोफोजॉइट्स ये मेटा क्रिप्टोजॉइट्स ह्यूमन बींग के अंदर जाकर Uh, ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं एंड दे डिवाइड टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ट्रोफोजॉइट्स रिजल्टिंग इन द रप्चर ऑफ आर बी सी आर बी सी को ब्रेक करके ये बाहर निकलते हैं ट्रोफोज डिवाइड इन आर बी सी टू फॉर्म द मीरोइट्स ये ट्रोफोजॉइट्स जब आर बी सी के अंदर डिवाइड होते हैं तो मीरोइट्स बनते हैं दे अगेन रप्चर आर बी सीज And release a toxin called hemozoin This is the main toxin which is responsible for the chill and high fever, recurring every 3 to 4 days. Trophozoites जब RBC के अंदर जाते हैं और divide होते हैं तो merozoites बनते हैं। जब बहुत सारे merozoites बनते हैं तो RBC की बॉल को rupture करके ये बाहर आते हैं। आर की वॉल रपच्चर होने की वजह से वहाँ से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है इसको हीमोजॉइन कहते हैं और हीमोजॉइन एक चिल और हाई फीवर जो कि एक मलेरिया का सिम्टम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबिल होते हैं ये फीवर जो है रिकरिंग होता है हर तीन से चार घंटे के बाद ये फीवर रिपीट होता रहता है सम ऑफ द मीरोजॉइस एंटर द फ्रेश आर एंड फॉर्म गैमेटोसाइट्स बहुत सारे मीरोजॉइट्स कुछ आर के अंदर जाकर गैमेटोसाइट्स बनाते हैं जो छोटे साइज के गैमेटोसाइट्स हैं उनको मेल गैमेटोसाइट या माइक्रो गैमेटोसाइट्स कहते हैं और जो लार्ज फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं उनको हम मैक्रो गैमेटोसाइट्स कहते हैं तो ये एक ए सक्चुअल फेज़ है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का जो ह्यूमन बींग के अंदर कंप्लीट होता है और यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते हैं यहाँ पर माइक्रोगेटोसाइट्स बनते हैं यानी गैमेट फॉर्मिंग सेल्स बनते हैं आगे ये माइक्रोगेमेटोसाइट मेल गैमेट्स बनाएगा और माइक्रोगेटोसाइट फीमेल गैमेट बनाएगा लेकिन ये प्लाज्मोडियम के अंदर होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होता है सेकेंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन प्लाज्मोडियम इन द फीमेल एंडफ्लीज मॉस्किटो When female mosquito sucks the blood of an infected host, it receives gametocytes. जब एक ऐसी फीमेल मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग का ब्लड सक करती है तो ये गैमेटोसाइट्स क्योंकि ह्यूमन बींग के ब्लड में प्रेजेंट थे ये मॉस्किटो के अंदर आ जाते हैं इन द स्टमक ऑफ द फीमेल एन मॉस्किटो जो मेल गैमेटोसाइट्स हैं दे डिवाइड एंड फॉर्म सिक्स टू एट लॉन्ग मोटाइल माइक्रोगैमेट। ह्यूमन बीइंग का ब्लड सक करने के बाद जो गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर आए थे ये उसके ब्लड में जाते हैं ब्लड में जो मेल गैमेटोसाइट्स है ये डिवाइड होता है और बहुत सारे माइक्रोगेटिक गैमेट बनाता है ये गैमेट गैमेट मोटाइल होते हैं फीमेल गैमेटोसाइट्स दज नॉट डिवाइड ये डिवाइड नहीं होता है इट ओनली मैच्योर्स टू फॉर्म मैक्रोगेट अब फीमेल के स्टॉक में दोनों तरह के गैमेट्स हैं मेल गैमेट यानि माइक्रोगेट और फीमेल गैमेट यानी मैक्रोगेट्स फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दाइगोट एलोंगेट्स एंड बिकम्स वॉर्म लाइक एंड नोन एज ऊ काट तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था ये स्पेरिकल था लेकिन ये जाइगोट इस तरह का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम ऊ काइनेट कहते हैं ऊ काइनेट पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफ्लीज एंड बिकम्स इम इमोबाइल एंड बिगिन टू एनसिस्ट द एनसिस्टेड जाइगोट इज कॉल्ड ऊसिस्ट ये जो ऊ कानेट है ये एनोफ्लीज मॉस्किटो के स्टमक को पैनिट्रेट करता है और वहां पर जाकर ये इमोबाइल हो जाता है और अपने चारों तरफ एनसिस्ट एक सिस्ट फॉर्मेशन देव, सिस्ट डेवलप करता है इस एंसिस्टेड जाइगोट को हम ऊसिस्ट कहते हैं नाउ द न्यूक्लियस ऑफ उज फर्स्ट डिवाइड बाय मियोसिस पहला जो डिवीजन होता है ऊसिस्ट के अंदर ये मियोसिस होता है उसके बाद के सारे डिवीजन माइडोसिस होते हैं एंड they produce large number of sporozoites. sporozoites these sporozoites reach the salivary glands stomach se ye sporozoite mosquito ke salivary glands mein pahunch jate hain now the mosquito becomes infective ab ye mosquito kisi bhi human being ko bite करेगा तो उसके salivary ग्लैंड से sporozoites फिर से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर मॉस्किटो जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो स्पोरोज़ॉइड्स, स्पोरोज़ॉइड्स ह्यूमन बीइंग के ब्लड में पहुँचते हैं ब्लड से ये लिवर सेल्स में यानी हिपैटिक सेल्स के अंदर जाते हैं और हिपैटिक सेल्स में ये डिवाइड होकर बहुत सारे मीरो बनाते हैं फिर हेपेटिक सेल्स को ब्रेक करके आर के अंदर जाते हैं आर के अंदर मीरो डिवाइड होते हैं जिससे कि ट्रोफोजवाइट्स बनते हैं ये ट्रोफोजॉइट्स फिर मल्टीप्लाई होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ट्रोफोजॉइट्स जब आर के अंदर बनते हैं तो आर को ब्रेक करके ये बाहर निकलते हैं और इनके बाहर निकलने के साथ ही यहाँ पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम हीमोजॉइंट्स कहते हैं ये हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आर के ब्रेकडाउन से बाहर निकलता है और इसी की वजह से चिल और हाई फीवर जैसे सिम्टम मलेरियल पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं बहुत सारे जो ट्रोफोजोइड्स हैं ये दूसरे आर के अंदर एंटर होते हैं और कुछ गैमेटोसाइट्स बनाते हैं जो मेल गैमेटोसाइट्स है ये स्मॉल साइज का होता है और इसको हम माइक्रो गैमेटोसाइट कहते हैं और जो मेल फीमेल गैमेटोसाइट है वो लार्ज साइज का होता है उसको हम गैमेटोसाइट कहते हैं तो यहां पर एक, आ, फीमेल है और मेल मेल और फीमेल गैमेटोसाइट ह्यूमन कोई भी मॉस्किटो किसी इंफेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो ये गैमेटोसाइट इस मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं मॉस्किटो के माउथ पार्ट से ये गैमेटोसाइट स्टमक में पहुंचते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट से गैमेट बनता है जो कि मोबाइल होता है और गैमेटोसाइट से गैमेट यानी फीमेल गैमेट बनता है इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और ये जाइगोट एक एलॉन्गेटेड जाइगोट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिस जयगोड को तो ऐसा इलोंगेटेड मोबाइल जयगोड को हम ऊ काइनेट कहते हैं ये ऊ काइनेट मॉस्किटो के मिड गर्ट यानी स्टमक वॉल के अंदर पेनिट्रेट करता है और इमोबाइल हो जाता है यानी मूव नहीं करता है और उसी टाइम अपने चारों तरफ सिस्ट डेवलप करता है तो इस तरह का जयगोड जिसके चारों तरफ सिस्ट प्रेजेंट है उसको हम उस्ट कहते हैं ये उस्ट मल्टीप्लाई होता है और दे, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पोरजॉइट्स ये स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो के स्लाइबरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं नॉ दिस मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टिव एंड कैन कॉज मलेरिया टू ए हेल्दी पर्सन तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइड नेक्स्ट इज ह्यूमन स्पीसीज ऑफ प्लाजमोडियम एंड टाइप्स ऑफ मलेरिया First is the Plasmodium vivex. It causes benign tertian malaria and it is most common in India. Next is the Plasmodium falciparum. It causes malignant tertian malaria and it is most common in Africa and tropic tropical regions and less common in India. Plasmodium malariae is the next type of Plasmodium it causes quartan malaria and it is common in tropical africa burma sri lanka and in some part of the india next is the plasmodium ovale it causes mild tertian malaria and it is rarest of four species and found in tropical africa next is the symptoms of malaria पेशेंट डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आफ्टर अ पीरियड ऑफ फोर्टीन डेज यानी जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज का होता है 14 डेज के बाद जो मलेरियल पेशेंट है उसको हाई फीवर होता है हेड एक मस्कुलर पेन चिल और शिवरिंग होती है जब ये सिम्टम्स होते हैं तो फ़ौर बाद मलेरिया मलेरियल पेशेंट स्वेट से लॉट एंड टम्परेचर गोज़ डाउन टू नॉर्मल तो थोड़ी देर के बाद उसको पसीना आता है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है लेकिन ये फीवर हर तीन से चार घंटे के बाद रिपीट होता रहता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्विनाइन, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंकोना ट्रीज इज़ द फर्स्ट मेडिसिन विच वॉज यूज टू क्योर द मलेरिया दे आर अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स आर पैलोड्राइन प्राइमाक्वेन क्लोरोक्वेन एंड Chemoquine. So, these are the malarial drugs which are used to treat malaria.